नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग ऐप पर बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो मुझे लगातार ये कहते रहते थे, सर अपना ऐप लेकर के आइए, अपना कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। आप सभी लोगों के इस प्यार का नतीजा यह हुआ, मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया। इसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं, अब उन कारणों की चर्चा यहाँ पर करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ में पहले भी कनेक्टेड रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे। जब मैं पैरामाउंट में था, फिर मैं अकेडमी कैंपस में रहा और वर्तमान में अमर उजाला ग्रुप के इनिशिएटिव सफलता क्लास के साथ में मैं कार्यरत हूँ। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए एक चीज हमेशा दिमाग में चल रही थी, और वो चीज ये चल रही थी कि यार मैं जितना स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूं वो हो नहीं पा रहा। अब अलग अलग संस्थानों के अपने अपने ढांचे होते हैं, अपने स्ट्रक्चर होते हैं, और एक कर्मचारी होने के नाते एक सीमा रेखा भी होती है। तो मैंने इस इनिशिएटिव को लिया ताकि मैं जिन जिन विषयों में जिस जिस तरह से आपके काम आ सकता हूं वो काम हो सके। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बारे में जानकारी दे दूं, इस ऐप के ऊपर मैं सबसे पहला कोर्स जो मैं लेकर के आऊंगा वो हिस्ट्री स्पेशल का कोर्स होगा। और ये जो कोर्स है हिस्ट्री स्पेशल, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, मैं कैसे इसको करवाऊंगा, इन सारे मुद्दों के ऊपर में हम लोग अभी अगले कुछ क्षणों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैच के बारे में आपको जानकारी दे दूं। मैं जब बैच की बात करता हूं आपसे, तो ये जो बैच है हमारा, हिस्ट्री स्पेशल, इस बैच की थीम है यूपीएससी प्री तक। अपर लिमिट की हम लोग बात करें, और अगर हम लोग मिनिमम लिमिट की बात करें तो बेसिक टू यूपीएससी प्री यहां पर ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। यूपीएससी प्री, यूपीएससी प्री जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूपीएससी प्री कह देते हैं, तो हम लोग हैं सिविल सर्विस। हाँ, ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे संविधान के अंदर में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, कहीं नहीं है हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चलता है आम बोलचाल में। हमारे गांव देहात के जो हमारे बच्चे हैं, इवन हमारे जो शहरों के बच्चे हैं, वो भी अगर उन्हें आईएएस की तैयारी करनी होती है, आईपीएस की प्रिपरेशन करनी होती है, तो बोलते क्या है कि यूपीएससी का एक्चुअल में नाम है सिविल सर्विस। यूपीएससी तो एक संस्थान है जो ढेरों एग्जाम्स लेता है, जहां बेसिक से लेकर के यूपीएससी प्री, इन मुद्दों को मैं इस बैच के अंदर में कवर करूं। बेसिक का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एकदम बेसिक की बात करूं तो इसके अंदर में सीईटी, यहां पर अब सीईटी की बात चल रही है। ओके, और कुछ भी हो, जीएस में भाई हिस्ट्री तो आनी ही है। अच्छा, इसके अलावा 10+2 लेवल पर सीएचएसएल का, इसके अलावा सीपीओ का एग्जाम के माध्यम से आप दिल्ली पुलिस के अंदर में एसआई बन सकते हैं। ओके, और भी इसमें कई अन्य संस्थान है, बीएसएफ के अंदर में भी आप एसआई बन सकते हैं सीपीओ के माध्यम से। अच्छा, आप इसके अलावा जो हमारे राज्यों के अंदर में एग्जाम होते रहते हैं एसआई, जो स्टेट एसआई के जो एग्जाम होते रहते हैं, उनकी बात भी यहाँ पर कर स्टेट एसआई, यूपी में हो गया, एमपी में हो गया, बिहार में हो गया, वो सारे एग्जाम। इसके अलावा
आप लेखपाल वगैरह के एग्जाम, जैसे यूपी के अंदर में वैकेंसी आनी है लेखपाल की, लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आनी है, और भी यहाँ पर ढेरों एग्जाम, एमबीएस के एग्जाम हो गया हमारा, एनटीपीसी होने जा रहा है, हालांकि उसमें लेवल थोड़ा थोड़ा रहता है, कम रहता है, बट तो है। तो ये बेसिक से लेकर के पीएससी प्री या एडवांस लेवल तक ये सारे मुद्दे मैं कवर। अच्छा भाई, ये तो बेसिक की। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर यूपीएससी प्री, तो सिविल सर्विसेज प्री, इस क्लास को करने के बाद में देखिए, जिन लोगों को सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, उन्हें सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, वो क्लास के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और आप आगे आने वाली क्लासेस में वो बुक लिस्ट जरूर देखेंगे। मैं बताऊंगा उस बुक लिस्ट के बारे में जो सिविल सर्विसेज और पीसीएस के, इवन जो बच्चे सीडीएस और सीएपीएफ का एग्जाम देने जाते हैं, उन्हें भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, ये पढ़नी पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग, मैंने पहले भी लिख दिया है, पीएससी प्री, सिविल सर्विसेज प्री का एग्जाम, इसके अलावा पीसीएस प्री, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे प्री लेवल। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जैसे यूपी के अंदर में एक एग्जाम होता है समीक्षा अधिकारी का, रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम होता है, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम। ओके, इसके अलावा डीजीटी हिस्ट्री टीचर्स, टीचर्स पीजीटी हिस्ट्री, यूपी के अंदर में तो वैकेंसी भी अभी आनी है इसकी, पीजीटी हिस्ट्री की। इसके अलावा सीबीएस, इसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, ये सारे इस एक बैच से आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो जरूरत है वो सारी पूरी। इसके अंदर में मैं आपको क्विजेस भी करवाऊंगा, इस बैच के अंदर में हम क्विजेस का प्रोविजन भी रखेंगे। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियोस यहां पर आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा वो लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों का मिक्सअप होगा। क्विजेस करवाने के लिए हम लोग अलग से सेशन रखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, अब उस टॉपिक के ऊपर में हमें क्विज करना है, तो उसके लिए हम लोग अलग से टाइम डिसाइड कर लेंगे अपने बैच के अंदर में। आपके पास में मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए विंडो होगी, जहां पर आप अपने मैसेजेस इनबॉक्स कर सकते हैं कि क्विजेस के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हो गई, बैच के जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं जरा इसमें कुछ और चीजें। देखिए लंबा वक्त हो गया बोर्ड पर लिखे हुए, बोर्ड पर पढ़ाए हुए, जिंदगी एकदम डिजिटल हो चुकी है पूरी तरीके से। ओके, जिंदगी पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है, पेन टाइप और कंप्यूटर स्क्रीन और फ्लैट पैनल और डिजिटल बोर्ड, मतलब बस, लेकिन इसका अपना अलग ही सुख है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो अब मैं आपकी स्टडी की जो प्लानिंग है जरा उसकी बात करूंगा। देखिए, अक्सर मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ाई कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं ये कि देखो, पढ़ाई करने के ना दो तरीके हैं, एक तो है नॉलेज बेस्ड, ज्ञान आधारित, पढ़ते रहिए, कोई चीज
में नहीं है, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। और दूसरा है एग्जाम्पल्स, क्या है एग्जाम्पल, नॉलेज बेस्ड एंड एग्जाम बेस्ड। अब यहां पर कोई टाइम फाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, कोई टाइम फाउंडेशन नहीं, पढ़ते रहिए भाई, जितना मन चाहे उतना पढ़िए। लेकिन हम लोग जब एग्जाम्स की बात करते हैं, यहां पर ये जो स्टडी है टाइम बाउंडेशन, टाइम बाउंड स्टडी दोस्त। और जो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, टाइम बाउंड स्टडी की वैल्यू नहीं जानते, वो फंस जाते हैं, टैलेंट होता है एग्जाम नहीं निकाल पाते। मुझे अच्छे से याद है कि जिन दिनों मैं पैरामाउंट में पढ़ाया करता था, ये बात है सन 2014 के आसपास, और मेरी क्लास उन दिनों जो है महीने में मैं करीब 6 दिन होता था बनारस, वाराणसी पैरामाउंट में होता, तो वहां पर ये बातें तो मैं हमेशा हर बैच में बताता हूँ। लेकिन उस बैच में बच्चा था वो कॉलेज में था उस दिनों, और जब बाद में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, SSC उसने क्रैक किया, उसका मैसेज आया कि वो जो बात आपने कही थी ना क्लास की बिल्कुल शुरुआत में कि एग्जाम बेस्ड स्टडी, टाइम बाउंड स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, अगर इसका अंतर नहीं जानते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस चीज को जानते हैं ना, उनके लिए दुनिया कहती है अरे आप तो बहुत लकी हैं, क्या बात है, आपने तो एग्जाम यू भी निकाल लिया, बस यू आई और यू टॉप कर दिया। तो, लेकिन ये लोग जो एग्जाम एकदम से निकाल के ले जाते हैं ना, ये दुनिया लकी कह जरूर देती है, लेकिन आपको शायद तक शब्द का लक शब्द जो है लेबर, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दोस्त अगर आप सही ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब सफलता तो मिलनी ही है। ओके, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। और अब मैं यहां से आपका परिचय कराऊंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ। जो लोग बता रहे होते हैं ना, अरे यार इतिहास तो डेट्स है, इयर्स है, अच्छा एक जमाने में ऐसा था भी, एक जमाने में जो हिस्टोरियंस की जो पहली जनरेशन थी ना वो यही मानती थी, और लगभग आज से जो है हो जाता नहीं, तो 300 साल पहले भी लोग यही मान के चलते थे इतिहास। लेकिन जब मॉडर्न हिस्टोरियंस का एक ग्रुप आना शुरू, खासतौर सन 1947 के बाद हिंदुस्तान की बात, तो इतिहास को देखने का नजरिया, और अगर ये नजरिया नहीं पता है तो एग्जाम के अंदर में आप रटते रह जाएंगे, सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था, क्या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ था, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि बाबर और राणा सांगा के बीच जो पहला जो युद्ध हुआ था वो उसका रीजन क्या था, आप खानवा के युद्ध का ईयर रटते रह जाएंगे वो रीजन वो उसके आगे बढ़ जाएगा, कि पानीपत के 3 युद्ध तो पढ़ लिए आपने, लेकिन युद्ध ये इतने रक्त रंजित युद्ध पानीपत में ही क्यों होते थे, ऐसे कई सारे सवाल जिनके जवाब मैं आपको आने वाले में से बताना पढ़ाता मैं इस तरीके से हूं कि नॉर्मली आपके डाउट बनते ही हैं। ओके चलिए, तो हम लोग यहां से आगे चलते हैं और जरा परिचय प्राप्त करते हैं अपने विषय का, हिस्ट्री का, कि आखिर इतिहास कहता क्या है।
हिस्ट्री अगर इस विषय की हम लोग बात करें तो जो वर्ड है ये जो शब्द है हिस्ट्री इसकी ओरिजिन इसकी उत्पत्ति हिस्ट्री शब्द की जो है वो कहां से हुई है एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका ग्रीक भाषा का इसी नाम से पुस्तक भी लिखी थी हेरोडोट्स ने हेरोडोट्स जो है ग्रीक थिंकर हुआ करता था और इसने इसी नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी और इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहते हैं हम लोग क्या फादर ऑफ हिस्ट्री अच्छा भाई हिस्टोरिका अब ये जो हिस्टोरिका शब्द है इसका मीनिंग क्या है इसका अर्थ क्या है और हिस्टोरिका जो शब्द है इसका अर्थ है टू इन्वेस्टिगेट इसका अर्थ है टू इन्वेस्टिगेट दैट मींस जांच करना क्या मतलब हुआ जांच करना किस बात की जांच की जाए इस बात की जांच करनी कि अतीत में जो हुआ पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ क्या उसको रोका जा सकता था फिर गलत चीज थी अच्छी चीज है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना अगर गलत है तब रोकने की बात आएगी ना तो क्या उसे रोका जा सकता था और चलो हो गया तो क्यों हुआ इंपैक्ट क्या हुए जो अच्छी चीजें हो रही थी वो क्यों हो रही थी उनके रीजंस क्या थे अब यहीं से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं ये तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री का जो शब्द है वो क्या है इसके ओरिजिन कहां से इसका मीनिंग क्या है अब मैं यहां से आपको कनेक्ट कर रहा हूं हिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं जो इसके तत्व हैं मैं एलिमेंट्स के साथ में आपको कनेक्ट कर रहा हूं यहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ध्यान से मैंने खाली कर दिया है हेरोडोट इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री इतिहास का जनक कहते हैं ठीक है भाई चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मैं आपको एक सेकंड ओके चलिए स्क्रीन पर देखिए अभी यहां पर है क्या चीज इतिहास इसके जो एलिमेंट्स हैं ये तत्व है वो क्या क्या है ये एलिमेंट्स क्या क्या है और अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें नंबर वन पर हमारे सामने आता है पास्ट इवेंट्स क्या आता है पास्ट इवेंट्स हिंदी में कहें तो भूतकाल की घटनाएं भूतकाल की घटनाएं अच्छा भाई
कलर चेंज करके देखा जाए। तो मैं पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन, क्लास मेरा ऑफलाइन वाला ही रहता है, देखिए उतने ही इत्मीनान से उतने ही सुकून से। चलिए तो पास्ट इवेंट्स आफ्टर दिस क्रोनोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं समय का क्रम। क्रोनोलॉजी हिंदी में इसे कहते हैं समय का क्रम। आफ्टर दिस थर्ड नंबर पर कंटिन्यू निरंतरता, हिंदी में कहते हैं निरंतरता। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना। अब बेसिक की बात करूं तो बेसिक एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। हु रोट द बुक हिस्टोरिका, हेरोडोटस। लेकिन जब आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए शुरुआत में ही, इजंट इट। तो यही है बेसिक से लेके एडवांस तक की थ्योरी। अच्छा भाई, आप लोग मेंस का मटेरियल बोल करके इनको छोड़ देते हैं, नहीं बताते। लेकिन मैं हमेशा बताता था, बताता हूं, बताता रहूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब मैं मेंस की क्लास शुरू करता हूँ, पीसीएस मेंस का, मेंस सीएस के लिए या ऑप्शनल के लिए, तो मैं हमेशा वहां पर भी ये बातें सबसे पहले बताता हूँ। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये कॉमन चीज है भाई, ये पता होनी चाहिए बच्चों को। चलिए तो पास्ट इवेंट्स भूतकाल की घटनाएं, क्या मतलब है इसका कि जो अतीत में घट चुका है भाई। इतिहास अगर इसका हिंदी वर्जन आप समझे, इतिहास ऐसा ही था, हम हिंदी वर्जन में यही कहता है ना, इसका ऐसा ही था। ओके तो पास्ट इवेंट्स तो होंगी, निश्चित रूप से होंगी। अच्छा अब यहां पर क्या है, डेट्स, और इसी जगह पर जीरो इन्फ्लुएंस की बैंड बच जाती है, तेरे यार डेट्स करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के अंदर में जब आप काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको डेट्स, वो डेट्स ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे इसके पीछे रेस लगाते हैं। तो जरा एग्जाम उठा के देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम उठा के देखिए कितने क्वेश्चन आते, प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो सही मेरे कहने से। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे ना जी ना, प्रीवियस ईयर क्यों करें, वो तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते प्रीवियस ईयर से। तो मेरा एक ही बात कहना होता है, बेटा आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया ठीक है, वहां क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है, ऑनर तो रिपीट होते हैं मेरे दोस्त। सीजीएल वगैरह में, सीपीओ वगैरह में, वहां पर तो क्वेश्चन रिपीट होने की टेंडेंसी भी रहती है। रेलवेज में वहां पर भी क्वेश्चन रिपीट होने की टेंडेंसी रहती है, एफसीआई के अंदर में, एसआई के अंदर में। ध्यान रखिए इस बात को, क्वेश्चन एज इट इज नहीं रिपीट होते, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट से गुजरते हैं, उस जोनर को देखते हैं जहां से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, और जो जो लोग कहते हैं ना प्रीवियस ईयर मत करो, वो या तो जानबूझ के आपको गिराना चाहते हैं, और या तो वही पता नहीं, दोनों बातें हो सकता है, नॉइंगली हो सकता है अनॉइंगली। तो प्रीवियस ईयर जरूर आगे देखिए, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और दो फिर से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है भाई साहब ये कॉन्टिन्यूटी, तो इसी ने मचाई है कॉन्टिन्यूटी। यही तो है जो हमारे पास्ट को कनेक्ट करता है फ्यूचर से, और या प्रेजेंट जहां हम खड़े, कि पास्ट से सीखो प्रेजेंट में अप्लाई करो, तभी तो हिस्ट्री बनाओगे। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि दोज हु अंडरस्टैंड हिस्ट्री क्रिएट हिस्ट्री, एंड दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिस्ट्री मेकअप हिस्ट्री। जो इतिहास समझते हैं वही इतिहास बनाते हैं, और जो इतिहास नहीं समझते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। जो इतिहास नहीं समझते हैं वो इतिहास क्लासेस में है।
एक ही प्रयास होता है, मैं आपकी सफलता में कब हारूं। ओके, मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटता हूं और तुम भी हटना। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पास्ट इवेंट्स की बात कर ली, हमने प्रोनोसिस की बात कर ली, हमने कंटिन्यू, मैंने बता दिया किस तरीके से ये एलिमेंट्स। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, एक बार उससे पूछा गया कि आप ये बताओ कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए क्या किया जाए। उसने कहा तीन काम, रीड द स्टडी, सॉरी रीड द हिस्ट्री, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, इतिहास पढ़ो। उसने कहा इतिहास पढ़ो, एक बार बोला इस बात को, और उसे समझो, उसे समझो। इतिहास हमेशा है प्रशासक त्याग, और एक बात ध्यान रखना, इतिहासकारों वाला इतिहास जो है ना, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी मुझे पता है, मुझे ढेरों मैसेजेस आने वाले हैं कि सर अब मुझे रिसर्च करना है, फिर मुझे पीएचडी की तरफ जाना है। आपको बता दूं वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो इतिहास पढ़ाने वाला हूं ना, ये प्रशासकों वाला एडमिनिस्ट्रेटर्स का इतिहास होने वाला। आई टीच यू टू मेक यू एन एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट अ हिस्टोरियन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग यहां से, और लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास का जो क्लासिफिकेशन है, जरा उसकी बात करते हैं। नोट्स बनाते रहना बच्चों, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, समझे, नोट्स मेकिंग जरूर करिएगा। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा बाइलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मेरी क्लास आप अटेंड करें, तो वहां पर जो बातें मैं बोलता हूँ उनको पेन डाउन जरूर करें। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जरा बात करें वर्गीकरण। अब हिस्ट्री को हम लोग क्लासिफाई करते हैं भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, हमारा यहां पर जो फोकस रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन हिस्सों, एंशियंट, दैट इज प्राचीन, सेकेंड मेडिवल, That is मध्यकालीन, and third modern, that is आधुनिक। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम्स की, हमारे एग्जाम्स में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से देखते हैं, मोस्ट आफ्टर दिस Ancient and then हम लोग सबसे पहले ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर इस पर आएंगे और फिर इस पर आएंगे। ओके, तो ये मैंने आरंभ ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आरंभ द बिगिनिंग, सर्च करिए। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, हमारी टीम भी देख लेगी, आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस बैच के रिगार्डिंग, आपकी जो भी और क्वेरीज होंगी, वो सारे के सारे हम लोग वहां रिजॉल्व कर देंगे। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं
अब तक आप लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, मेरा समर्थन किया है, जो प्यार सम्मान आप लोगों के तरफ से मुझे मिला है, वो आगे भी मिलता। और इसी आशा के साथ में मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले सेशन में, जब मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न और कुछ और अनाउंसमेंट्स के साथ में, कुछ और अपडेट्स के साथ में। टिल देन गाइस, स्टे इन टच, थैंक यू, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ यू।